स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूँ रीडिंग सेक्शन के अंतर्गत 15 नंबर की तैयारी को लेकर बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट अनसीन पैसेजेस जो आपकी तैयारी को और स्ट्रांग बनाएंगे और ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज का वीडियो 15 नंबर के लिए है, तो पूरा लास्ट तक कंप्लीट देखना है, पूरा देखना है। एक एक पैसेज मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँगा, एक एक क्वेश्चन के साथ कैसे पैसेज करना है वो भी बताऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। हालांकि कोई भी पैसेज करने से पहले मैं रिकमेंड करता हूँ स्टूडेंट्स को कि सबसे पहले वो क्वेश्चंस को पढ़ें। क्वेश्चन दिया है, व्हाट आर द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ अ मैन, कि व्यक्ति का सबसे अच्छा मित्र कौन होते हैं, कौन होते हैं। वेयर कैन वी गेट सॉलेज, कहाँ हम शांति, कम्फर्ट माने सुविधा, और डिसअपॉइंटमेंट, इन डिसअपॉइंटमेंट निराशा में शांति और सुविधा हम कहाँ पा सकते। इटैलिसाइज्ड पोर्शन को एक्सप्लेन करो और राइट अ सुइटेबल टाइटल टू द पैसेज, पैसेज का टाइटल दो, अथवा मैं पैसेज में ही आपको क्वेश्चन इन वर्ड्स के अर्थ बताने हैं, ट्रस्ट इन, कंसोलेशन, सांत्वना, टेंडेंसी, प्रवृत्ति। ठीक है, तो अब पैसेज को अपन लोग पढ़ते हैं। बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स दैट अ मैन हैज़, कि बुक्स वो मित्र अच्छे मित्र होते हैं जो व्यक्ति के पास होते हैं, यानी व्यक्ति के पास मौजूद अच्छे मित्र जो हैं वो बुक्स हैं। दे इंसर्ट, ये उत्पन्न करती हैं, किताबें उत्पन्न करती हैं, क्या उत्पन्न करती हैं, अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस, एक तीव्र प्रभाव, एक तीव्र प्रभाव उत्पन्न करती हैं। इन मोल्डिंग माने मजबूत प्रभाव डालती हैं, इन मोल्डिंग ढालने में, वंस थॉट्स एंड आइडियाज, व्यक्ति के विचार और आइडियाज को ढालने में, होप्स एंड डिजायर्स आशाएं और इच्छाओं को बदलने में, इंक्लिनेशंस प्रवृत्तियां और एस्पिरेशंस आकांक्षाओं को बदलने में, समझ गए, और थ्रू ऑल फ्यूचर टाइम पूरे भविष्य में। तो यहाँ आप देखेंगे पहला एक क्वेश्चन था टेंडेंसी माने होता है प्रवृत्ति, तो इसके लिए लिख लो इंक्लिनेशन, एक आंसर मिल गया इसका, इंक्लिनेशंस, समझ गए। आगे देखो, द कंपेनियनशिप ऑफ बुक्स, किताबों का साथ, इज द बेस्ट कंपेनियनशिप, सबसे अच्छा साथ होता है। एंड लाइक ऑल फ्रेंडशिप्स, सारी अन्य फ्रेंडशिप की तरह, ग्रो स्वीटर एंड स्वीटर विद द पैसेज ऑफ टाइम, कि समय के पासेज ऑफ टाइम, समय के बीतने के साथ साथ अन्य फ्रेंडशिप के साथ साथ, जैसे अन्य फ्रेंडशिप होती है वैसे ये जो संबंध होता है किताबों का वो और ज़्यादा स्वीट होता चला जाता है। इट कंट्रीब्यूट्स टू द हैप्पीनेस ऑफ मैन, ये व्यक्ति की प्रसन्नता में अपना योगदान देती हैं। रिमूव्स द सोरोज, व्यक्ति के दुखों को हटाती हैं। दैट फॉल टू द लॉट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, कि वो दुख जो मनुष्य ज़्यादातर मनुष्यों के जीवन में आता है। वी कैन ऑलवेज टर्न टू बुक्स फॉर सॉलेस, हम हमेशा किताबों के प्रति की तरफ मुड़ते हैं सॉलेस के लिए, कंफर्ट के लिए। व्हेन लाइफ हैपेंस टू बी डल एंड डेयरी, डेयरी माने सुनसान, नीरस, कि जब जीवन डल और नीरस हो जाता है, माने डल माने भी नीरस ही होता है, सुनसान हो जाता है जीवन, तब हम किताब की तरफ सॉलेस और कम्फर्ट के लिए मुड़ते हैं। व्हेन डेथ ऑफ अ बिलव्ड पर्सन मेक्स वन लॉस द रेलिस ऑफ लाइफ, कि जब किसी डेलिस ऑफ डेथ ऑफ अ बिलव्ड पर्सन, जब कोई हमारा प्रिय व्यक्ति खत्म होता है, मरता है, तो उसकी मृत्यु पर हम क्या करते हैं, हमारा जो जीवन होता है, वन लॉस, व्यक्ति खो देता है, क्या खो देता है, द रेलिस ऑफ लाइफ, और है ना, जीवन का आनंद खो देता है, स्वाद खो देता है। और वेन इलनेस और पॉवर्टी ब्रिंग्स डिसअपॉइंटमेंट एंड डिजेक्शन, और तब खो देता है जब बीमारी या गरीबी के कारण व्यक्ति में डिजेक्शन, निराशा और डिसअपॉइंटमेंट, डिजेक्शन माने उदासी और डिसअपॉइंटमेंट माने निराशा आती है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेस्ट फ्रेंड ऑफ अ मैन, तो बुक्स आर, यहाँ व्हाट की जगह सीधा लिख दीजिए डायरेक्ट बुक्स, हो गया आंसर। अगला है, वेयर कैन वी गेट सॉलेस एंड कम्फर्ट इन डिसअपॉइंटमेंट, है ना, तो हम कहाँ सॉलेस एंड कम्फर्ट पाते हैं डिसअपॉइंटमेंट, निराशा में, है ना, तो हम कहाँ पाते हैं, तो बी कैन सॉलेस एंड कम्फर्ट इन डिसअपॉइंटमेंट बाई टर्निंग टू द बुक्स, हम किताबों की तरफ मुड़ के हम सॉलेस और डिसकम्फर्ट पाते हैं, सॉरी कम्फर्ट पाते हैं। एक्सप्लेन द इटैलिसाइज्ड वर्ड, जो तिरछे शब्द लिखे उनको एक्सप्लेन करना, तो तिरछा यही लिखा है, द रेलिस ऑफ लाइफ माने जीवन का स्वाद, है ना, तो इसको ये लिख के और फिर कॉलन लगा के लिखिएगा, द टेस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, हो गया, बस इतना ही लिखना है इसका, रेलिस ऑफ लाइफ का मतलब द टेस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, है ना। अब ट्रस्ट इन, भरोसा करना,
सॉरी थ्रस्ट इन, थ्रस्ट नहीं है, थ्रस्ट है, थ्रस्ट माने होता है उत्पन्न करना, पैदा करना, तो इंसर्ट इसके लिए हो जाएगा वर्ड इंसर्ट, और टेंडेंसी का इंक्लिनेशन, कंसोलेशन सांत्वना यानी सॉलेस, इसके लिए हो जाएगा सॉलेस। ठीक, अब नेक्स्ट पैसेज की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैसेज मैंने लिया है अगला, पहले इसके क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं, क्वेश्चन इसके क्या कह रहे हैं। पहला जो इसका क्वेश्चन है वो है हु शुड परफॉर्म अ गुड डीड, किसको अच्छे कार्य को परफॉर्म करना चाहिए, और व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द मेमोरी ऑफ अ गुड थिंग, अच्छी अच्छी चीज़ की मेमोरी का क्या इफेक्ट होता है, और एक्सप्लेन द इटैलिसाइज्ड पोर्शन, इटैलिसाइज्ड पोर्शन को एक्सप्लेन करो, और चौथा क्वेश्चन है सुइटेबल टाइटल दो, और पाँचवा जो क्वेश्चन है वो फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स समथिंग दैट ल्योर्स और एनकरेजेज यू, वह चीज़ जो आपको प्रलोभित करती है या प्रोत्साहित करती है उसको क्या बोलते हैं। फीलिंग ऑफ बींग ग्रेटफुल, ग्रेटफुल होने की फीलिंग क्या है, एन ऑनेस्ट एंड मोरल वे, ईमानदार और नैतिक तरीका क्या है। तो शायद हमने पहले वाले क्वेश्चन का हम टाइटल देना भूल गए, है ना, पहले वाले क्वेश्चन का टाइटल भी देना था, तो बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड ये टाइटल हो जाएगा। अब इस पैसेज को पढ़ते, ठीक है। गुड डीड मे बी डन बाई एनी वन इन एनी वॉक ऑफ लाइफ, कि गुड डीड, अच्छा कार्य किसी के द्वारा किया जा सकता है इन एनी वॉक ऑफ लाइफ, जीवन के किसी भी क्षेत्र में, बाई द सोल्जर्स इन बैरक्स, कि हो सकता कोई सिपाही अपनी बैरक्स सलाखों के बीच में यानी कैद के अंदर भी अच्छा कार्य कर सकता है, और ऑन द बैटल फील्ड और युद्ध क्षेत्र में भी अच्छा काम कर सकता है। बाई द वुमन, स्त्री के द्वारा भी अच्छा कार्य हो सकता है इन द होम, घर में, द नर्स इन द हॉस्पिटल, और नर्स के रूप में हॉस्पिटल में भी, द बिजनेसमैन इन इज, बिजनेसमैन भी अच्छा काम कर सकता है इन इज ऑफिस, ऑफिस में, और द बॉय एट स्कूल, बॉय भी अच्छा कार्य करता है स्कूल, कार्य कर सकता है स्कूल में अपनी, द इन्वेंटर यानी जो आविष्कारक होता है वो अच्छा कार्य करता कर सकता है वर्कशॉप में। तो द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ गुड डीड एड्स टू द हैप्पीनेस, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है अच्छे कार्य की वो हमारी हैप्पीनेस को बढ़ा देती है, बोथ, दोनों को बढ़ा देती है। किन की हैप्पीनेस को बढ़ाती है, डूअर की, करने वाले की, एंड ऑफ दोज फॉर हुम इट इज़ डन, और उनकी भी जिसके लिए वो कार्य किया गया। द मेमोरी ऑफ अ गुड डीड एक्साइट्स लव एंड ग्रेटिट्यूड, जो मेमोरी होती है अच्छे कार्य की वो एक्साइट करती है, उत्तेजित करती है प्रेम को और ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता को बढ़ाती है माने उत्पन्न करती है, एक्साइट, और रिमूव, रिन्यूज, और नया कर देती है क्या, मैंस बिलीफ, मनुष्य के भरोसे को, इन हिज माइंड, एंड इंस्पायर अदर्स टू गो एंड डू लाइक वाइज, और दूसरों को इंस्पायर भी करती है कि वो आगे जाए और वैसे ही करे, इसी तरह वो भी करे। तो इट इज़ एन इंसेंटिव, ये एक पुरस्कार होता है, इंसेंटिव होता है, ठीक। इट इज़ एन इंसेंटिव टू देम टू लिव प्योरली, कि उनके लिए इंसेंटिव होता है कि वे शुद्धतापूर्वक जिए, एक्ट अपराइटली, ठीक कार्य करें, एंड डील जस्टली, और अच्छा व्यवहार करें न्याय संगत विद देयर फेलो मैन, अपने साथियों के साथ। तो पहला क्वेश्चन है हु शुड परफॉर्म अ गुड डीड, तो गुड डीड किसको परफॉर्म करना चाहिए, तो सभी को करना चाहिए, तो सभी के लिए है, तो ऑल शुड परफॉर्म, तो हु की जगह ऑल शुड कर दी, ऑल शुड परफॉर्म गुड डीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द गुड मेमोरी ऑफ गुड थिंग, कि गुड मेमोरी का इफेक्ट क्या होता है, तो ये होता है कि हमारे अंदर लव और ग्रेटिट्यूड को एक्साइट करती है ना। तो द इफेक्ट ऑफ द गुड मेमोरी ऑफ अ गुड डीड इज दैट, ये है कि इट एक्साइट, ये दिया आंसर, लव एंड ग्रेटिट्यूड, एंड रिन्यूज मैंस बिलीफ इन हिज माइंड एंड इंस्पायर अदर्स टू गो एंड टू लाइक वाइज, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके पूरा लिख दीजिए, हो गया आंसर। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द इटैलिसाइज्ड वर्ड, अब जो इसमें इटैलिसाइज्ड है, जो तिरछे लिखे हुए हैं, वो है एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ गुड डीड, तो एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ अ गुड डीड लिख के फिर लिख दीजिए इसका आंसर, एक्टिंग एंड परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी इन अ गुड एंड नाइस वे, कि एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ अ गुड डीड का मतलब होता है एक्टिंग एंड परफॉर्मिंग, एक्ट करना और परफॉर्म करना, एन एक्टिविटी, किसी एक्टिविटी को इन गुड, इन अ गुड एंड नाइस वे, अच्छे और अच्छे तरीके से, है ना। अब इसका टाइटल हम क्या दे सकते हैं, तो इंसेंटिव ऑफ गुड डीड्स, ये टाइटल हो जाएगा इसका, है ना, जो चौथा क्वेश्चन है। पाँचवा क्वेश्चन है समथिंग दैट ल्योर्स और एनकरेज यू, वो चीज़ जो आपको ल्योर्स करती है, प्रलोभित करती है और एनकरेज करती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको इंटेंसिव, इंसेंटिव बोलते हैं। नेक्स्ट है फीलिंग ऑफ बीइंग ग्रेटफुल, ग्रेटफुल होने का भाव, तो ये ग्रेटिट्यूड कहलाता है, ग्रेटिट्यूड, ठीक। इसके बाद है ग्रेटिट्यूड, यू है इधर बीच में। नेक्स्ट है इसके बाद इन एन ऑनेस्ट एंड मोरल वे, ऑनेस्ट मोरल वे क्या बोलते हैं, अपराइटली बोलते हैं,
आंसर हो गया। अब नेक्स्ट पैसेज की ओर बढ़ते हैं। अगला जो पैसेज है, ठीक, एन ओल्ड मैन बीइंग डिस्ट्रेस्ड बाय सीजलेस क्वेरलिंग गोइंग ऑन अमंग हिज सन। एक व्यक्ति डिस्ट्रेस्ड था, तनाव में था, दुखी था, इसको डायरेक्ट ही पढ़ लेते हैं, ठीक। बाय सीजलेस माने निरंतर, क्वेरलिंग माने झगड़े से, गोइंग ऑन अमंग हिज सन कि गोइंग ऑन माने जारी रहना, कि अपने लड़कों के बीच लगातार रहने वाले निरंतर झगड़े से एक व्यक्ति डिस्ट्रेस्ड था, तनाव में था। तो वन डे, एक दिन, ही कॉल्ड देम टू हिम, एक दिन उसने उन सभी को अपने पास बुलाया, एंड शोड देम अ बंडल ऑफ स्टिक्स, और उनको एक लकड़ी का एक बंडल दिया, टाइट टुगेदर, जो आपस में बंधा हुआ था, यानी लकड़ी का गट्ठा दिया, एंड आस्क्ड, और कहा, इफ़ एनी वन ऑफ देम वाज स्ट्रांग एनफ टू ब्रेक देम, और कहा कि अगर उनमें से कोई स्ट्रांग हो पर्याप्त तो वो इनको तोड़े, इसको तोड़े। तो फर्स्ट वन एंड देन से अनदर ट्राइड, पहले एक ने फिर दूसरे ने ट्राई किया, बट ऑल दो, लेकिन यद्यपि देवर ऑल रोबस्ट, हालांकि वे सभी तगड़े थे, रोबस्ट थे, एंड हैप्टी, और भारी भरकम थे, यंग मैन, भारी भरकम यंग मैन थे, दे ऑल फेल्ड, वे सभी फेल हो गए। ही देन अनटाइड द बंडल, फिर उस बूढ़े व्यक्ति ने क्या किया, बंडल को अनटाई कर दिया, खोल दिया, एंड टोल्ड देम, और उनसे कहा, टू ब्रेक ईच स्टिक सेपरेटली, और कहा कि प्रत्येक स्टिक को अलग अलग तोड़ो। तो दिस दे डिड ईजली, ये उन्होंने बड़े ईजली कर दिया, एंड ऑल द स्टिक्स वर सून ब्रोकन इन टू पीसेस, और फिर सारी स्टिक्स को पीसेस में तोड़ दिया गया। दस, इस प्रकार से ही टॉट देम, इस प्रकार से उसने उन्हें सिखाया, दैट की यूनाइटेड, दैट यूनाइटेड दे वुड बी स्ट्रांग, अगर भी यूनाइटेड रहे, एक रहे तो स्ट्रांग होंगे, बट डिसयूनाइटेड, अगर एक नहीं रहे, बिखरे हुए रहे, तो दे वुड ऑलवेज बी वीक, हमेशा कमजोर रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, वाई वाज द ओल्ड मैन सैड, कि जो ओल्ड मैन था वो सैड क्यों था। तो ओल्ड मैन अपने लड़कों के लगातार झगड़े के कारण सैड था। तो द आंसर क्या दोगे, पहले ही लाइन में दिया है, एन ओल्ड मैन वाज सैड बाई, ऐसे लिख दीजिए, एन या द ओल्ड मैन वाज सैड बाई सीजलेस क्वेरलिंग गोइंग ऑन अमंग हिज सन, बस इतना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट लेसन डिड ही टीच हिज सन, कौन सी सीख उसने अपने लड़कों को दी। तो सीधी सी बात है, लास्ट में सीख लिखी है ना, तो हो जाएगा, यहां से लिखो ही टॉट देम, उन्होंने उसको सिखाया, और लास्ट तक लिख दो, बस हो गया आंसर। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द इटैलिसाइज्ड पोर्शन, इटैलिसाइज्ड पोर्शन को एक्सप्लेन करो, बताओ, डिस्ट्रेस्ड बाई सीजलेस क्वारलिंग, तो डिस्ट्रेस्ड बाई सीजलेस क्वारलिंग का मतलब होता है सैड, इसका जो आंसर देंगे अपन को, डिस्टर्ब्ड एंड सैड बाई कंटिन्यूसली वायोलेंट, कंटिन्यूसली या बाई कंटिन्यूअस क्वारल, बस हो गया आंसर, क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब्ड एंड सैड बाई कंटिन्यूअस क्वारल अमंग द चिल्ड्रन, अमंग देयर सन, अमंग हिज सन्स, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, सुइटेबल टाइटल देना है, तो सुइटेबल टाइटल क्या, यूनिटी के बारे में बात हो रही, तो लिख दो यूनिटी इज स्ट्रेंथ, हो गया आंसर। अब इसके बाद है, कॉन्स्टेंट एंड अनएंडिंग, कि लगातार हो, जो अनएंडिंग हो, खत्म ना हो, तो उसको बोलते हैं निरंतर, यानी पहले ही वर्ड आया ऊपर, सीजलेस आया ना। इसके बाद अपसेट और वरीड, अपसेट और वरीड को बोलते हैं डिस्ट्रेस्ड, तनाव में होना, तो इसके लिए हो जाएगा डिस्ट्रेस्ड। लार्ज एंड हैवी को बोलते हैं हैप्टी, क्या बोलते हैं, भारी भरकम, हैप्टी, ये हो गया। अब अगला पैसेज बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैसेज, अगला जो पैसेज है वो समझे, अब नेक्स्ट पैसेज है, गौर से समझिए जरा, पहले इसके क्वेश्चन को देख लेते। पहला क्वेश्चन है, वेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड, वास्तविक व्यक्ति कब निकल के आता है, कब वास्तविक व्यक्ति की खोज होती है, और व्हाट क्वालिटीज ऑफ अ मैन प्रूव हिज वर्थ इन टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी, कौन सी क्वालिटी मनुष्य की प्रूव करती है उसकी कीमत को मुसीबत के समय, एडवर्सिटी के समय, और वेन डू वी नो, कब हमें जानने में आता है अवर रियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, हमारी वास्तविक शक्ति और कमजोरी हमें कब पता चलती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग आवर डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड प्लेजर, कि हमारे प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि और सुख के दिनों के समय क्या इंपॉर्टेंट होता है। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, पैसेज से उन शब्दों का पता करो जिनका ये मतलब हो, अ डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट सिचुएशन, हर्डल्स बाधाएं, गुड एनफ टू हैव समथिंग, कि गुड एनफ, कोई चीज़ पर्याप्त होना रखने के लिए, समझ गए।
तो चलिए पैसेज को पढ़ते हैं। पहले सबसे पहले पैसेज है, इट इज़ ओनली अंडर सर्कमटेंसेस ऑफ एडवर्सिटी, कि ये केवल अंडर सर्कमटेंसेस ऑफ एडवर्सिटी, मुसीबत की परिस्थितियों के अंतर्गत ही दैट होता है कि द रियल मैन इज डिस्कवर्ड। तो पहले क्वेश्चन का तो आंसर यही है, सीधा लिख दीजिए द रियल, वेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड, तो द रियल मैन इज डिस्कवर्ड वेन वी आर इन डिफिकल्टीज, या तो ये लिख दो या यहीं से पहले इस शुरुआत से लेके यहाँ तक लिख दो, हो गया आंसर। अ मैन ऑफ करेक्टर, एक व्यक्ति जो चरित्र वाला है, ऑफ नॉबल इंटेंशन, अच्छे इरादों वाला है, ऑफ स्ट्रांग एंड स्टर्डी फिजिक, स्ट्रांग मजबूत और स्टर्डी तगड़ी फिजिक शारीरिक गठन वाला है, वर्च्यूज ऑफ सेल्फलेस सर्विसेज टू अदर, जिसके पास गुण है कि वो सेल्फलेस सर्विस करता हो, निस्वार्थ सेवा करता हो दूसरों की, तो प्रूव्स हिज वर्थ इवन इन टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी, ऐसे ही व्यक्ति अपनी कीमत को मुसीबत के समय प्रूव करता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, व्हाट क्वालिटीज ऑफ अ मैन प्रूव हिज वर्थ इन टाइम, तो व्हाट क्वालिटीज दिया है, व्हाट क्वालिटीज की जगह आप लिख दीजिए सीधा, सीधा इसका आंसर है द करेक्टर, द करेक्टर ऑफ अ मैन है ना, कॉमा द अ मैंस करेक्टर, कॉमा हिज इंटेंशन, कॉमा हिज स्ट्रेंथ है ना, कॉमा हिज सेल्फलेस सर्विस है ना, बस इतना कॉमा लगा लगा के लिख दीजिए और लास्ट में लिख दीजिए ऑफ अ मैन, मतलब व्हाट क्वालिटीज ऑफ अ मैन ये पूछा है ना, तो इसकी जगह क्या लिखना है, तो द करेक्टर कॉमा, आंसर लिखते जाइए द करेक्टर कॉमा द इंटेंशंस कॉमा द फिजिक कॉमा द सेल्फलेस सर्विस है ना, ऑफ अ मैन प्रूव ओवर लास्ट तक फुल स्टॉप, एडवर्सिटी के बाद फुल स्टॉप मार दीजिए, हो गया। अब अगला क्वेश्चन है वेन डू वी नो अवर रियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, कि कब हम अपनी वास्तविक शक्ति और कमजोरी को पहचानते हैं, तो मुसीबत के समय पहचानते हैं है ना, मुसीबत के समय पहचानते हैं। ठीक, तो आगे जरा इसको पढ़ें, ही मेक्स द इवेंट्स टर्न विथ स्ट्रांग विल एंड डिटर्मिनेशन, अब जो ऐसा व्यक्ति होता है वो अपनी इवेंट्स को, अपनी घटनाओं को बदल देता है स्ट्रांग विल से और डिटर्मिनेशन से। ही इफ ही हैज अ विल टू डू अ थिंग, अगर उसके पास इच्छा शक्ति है कोई चीज करने की, तो नथिंग कैन स्टैंड इन हिज वे, कोई भी उसके मार्ग में नहीं आ सकता। ही कैन कॉन्कर ऑल द ऑब्स्टेकल, वो सारी बाधाओं को जीत सकता है टू अचीव हिज मिशन, अपने मिशन को अचीव करने के लिए। सिंस हिज ऑब्जेक्टिव इज नॉबल एंड वर्दी, हालांकि जो उसका ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य होता है, वो अच्छा होता है। तो इन दिस इन द डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड प्लेजर, कि उन्नति और आनंद के दिनों में बी स्लीप एंजॉय, हम सोते हैं और एंजॉय करते हैं, एंड नो नॉट, हम नहीं जानते व्हाट वी आर, कि हम क्या हैं, बट इन एडवर्सिटी, लेकिन मुसीबत के समय द इनर मैन वेक्स अप, अंदर का जो व्यक्ति होता है वो जाग जाता है, एंड वी कम टू नो, और हमें जानने में आता है अवर रियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो इसका जो आंसर है तीसरे का, व्हाट वी नो वेन डू वी नो अवर रियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, तो इसका आंसर सीधा लिख दो इन डाइवर्स इन एडवर्सिटी से लेके लास्ट तक, हो गया इसका आंसर। ठीक, अब इसके बाद है व्हाट इज इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग आवर डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड प्लेजर, प्रॉस्पेरिटी एंड प्लेजर के दिनों में क्या इंपॉर्टेंट है ना, तो इसमें लिखा है इन द डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड प्लेजर बी स्लीप एंजॉय एंड नो नॉट, यही लिख दो है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा कि इसके दिनों में क्या इंपॉर्टेंट है, बस यही इंपॉर्टेंट है, हो गया आंसर लास्ट तक। ठीक, तो इट इज इंपॉर्टेंट टू नो, या ऐसे कर दो, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट अवर सेल्फ ड्यूरिंग अवर डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड प्लेजर, हो गया आंसर, ये इंपॉर्टेंट है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट अवर सेल्फ, स्वयं के बारे में जानना ड्यूरिंग अवर डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड प्लेजर, कि प्रॉस्पेरिटी और प्लेजर के दिनों में अपने बारे में जानना। अब इसकी वर्ड मीनिंग देख लेते हैं, अ डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट सिचुएशन को क्या बोलते हैं, एडवर्सिटी बोलते हैं, जो कठिन और असुहावनी सिचुएशन उसको एडवर्सिटी, तो इसका आंसर हो जाए एडवर्सिटी। नेक्स्ट है हर्डल्स माने बाधा होती है, तो ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल। ठीक, और इसके बाद है गुड एनफ टू हैव समथिंग, कि अच्छा होना, किसी चीज को रखने के योग्य होना, माने वर्दी हो जाएगा इसका। ठीक, उसी में दिया है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगला पैसेज देखते हैं। अब अगला जो पैसेज है, पहले इसके क्वेश्चन आंसर को पढ़ लेते हैं। पहला इसका क्वेश्चन है व्हाट इज द एम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, और अगला क्वेश्चन है व्हाट डू सम पीपल थिंक, कुछ लोग क्या सोचते हैं,
और अगला है इसका एक्सप्लेन द अंडरलाइन वर्ड्स, कि अंडरलाइन वर्ड्स को एक्सप्लेन करो। और फिर अगला क्वेश्चन है गिव अ सुइटेबल टाइटल फॉर द पैसेज, पैसेज के लिए सुइटेबल टाइटल दो। फिर अगला क्वेश्चन है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, पैसेज से वो शब्दों को चुनो जिनका ये अर्थ है। अ पर्सन हु लव्स हिज कंट्री, वह व्यक्ति जो अपने देश को प्रेम करता है क्या कहलाता है, ओनली और जस्ट, केवल। ठीक, सेल्फ सस्टेनिंग, कि स्वयं को सस्टेन करना माने स्वयं को रोकना, रोके रखना, कायम रखना। ठीक, तो जरा समझिए इसको सेस। ठीक, तो अब इसके पैसेज को पहले समझते हैं। चलो देखो, सम पीपल थिंक दैट, कुछ लोग सोचते हैं कि द एम ऑफ एजुकेशन इज मियरली टू गिव नॉलेज, कि जो शिक्षा का उद्देश्य है वो मियरली माने मात्र। तो इसका पहला तो अर्थ अपन को मिल ही गया। लो, एक वर्ड आया था मियरली, ये आया था आपका ओनली और जस्ट, तो इसका तो हो गया मियरली। लो, इसका अर्थ मिल गया, ये मियरली है। ठीक, तो जो कुछ लोग सोचते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नॉलेज को देना, तो दीज पीपल वॉन्ट स्टूडेंट टू रीड बुक्स, ऐसे लोग चाहते हैं कि स्टूडेंट किताबें पढ़ें। ठीक, एंड डू नथिंग एल्स, और कुछ ना करें, बट एड टू देयर नॉलेज, कुछ ना करें बल्कि नॉलेज अपनी बढ़ाएं, ऐड करें अपनी नॉलेज को। अदर्स बिलीव दैट, जो अन्य लोग होते हैं वो विश्वास करते हैं कि नॉलेज अलोन इज नॉट एनफ, कि ज्ञान अकेला पर्याप्त नहीं है। ओनली दैट विच एनेबल्स अ मैन टू अर्न हिज लिविंग कैन बी कॉल्ड एजुकेशन, कि वो ज्ञान जो केवल व्यक्ति को एनेबल करता है, योग्य बनाता है टू अर्न हिज लिविंग, कि वो अपनी जीविका कमा सके, अर्न हिज लिविंग कैन बी कॉल्ड एजुकेशन, ये शिक्षा कहलाई जा सकती है। ऐसा कुछ लोग सोचते हैं कि केवल ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाना जिससे पैसा कमाई जा सके। ठीक, तो सच पीपल थिंक दैट, ऐसे लोग सोचते हैं कि द ब्रेड इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, कि किसी अन्य चीज़ से, एनीथिंग एल्स से, किसी अन्य चीज़ से रोटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अगले और कुछ हैं, स्टिल अदर्स बिलीव, जो अन्य हैं वो अभी भी ये सोचते हैं कि एजुकेशन शुड एम सोलली, जो शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए सोलली, वो मात्र क्या होना चाहिए, एट मेकिंग गुड सिटीजन एंड गुड पेट्रियट्स, कि अच्छे सिटीजन और अच्छे नागरिक, अच्छे सिटीजन नागरिक और अच्छे पेट्रियट्स माने देशभक्त। अब देशभक्त एक शब्द आया, ये है इसका आंसर आपका, अ पर्सन हु लव्स हिज कंट्री, ये पेट्रियट हो जाएगा। ठीक, समझ गए, अब आगे देखें जरा। ऑल दीज पीपल सी ओनली वन ऑफ द सेवरल पर्पजेज ऑफ एजुकेशन, कि ये सारे लोग जो हैं वो जितने पर्पजेज हैं, कई जो पर्पज हैं, उद्देश्य हैं शिक्षा के, उनमें से किसी एक उद्देश्य को देखते हैं, ओनली वन को। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जहाँ तक इस तथ्य की बात है, तो एजुकेशन शुड एम एट ऑल दीज थिंग्स टुगेदर, कि शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, एजुकेशन शुड एम एट, एम मान होता है लक्ष्य, ये लक्ष्य होना चाहिए कि ये सारे जो लक्ष्य हैं, सारी चीज़ें भी एक साथ शिक्षा में शामिल हों, पैसा भी कमाएं, मोरल्स भी कमाएं, हर चीज़ कमाएं, अच्छी चीज़ें भी सीखें। ठीक, इट शुड गिव मैन नॉलेज, इससे व्यक्ति को नॉलेज भी मिलना चाहिए, है ना, इट शुड गिव मैन नॉलेज, इससे व्यक्ति को क्या मिले, नॉलेज भी मिले, और मेक देम सेल्फ रिलायंट, और ये क्या करे, मेक भी करे, बनाए भी लोगों को क्या, सेल्फ रिलायंट का मतलब आत्मनिर्भर बनाए, है ना, सेल्फ रिलायंट बनाए, एंड एबल टू सर्व अदर, दूसरों की सेवा के योग्य बनाए। तो एक शब्द आया है लास्ट में इसका मीनिंग में, सेल्फ सस्टेनिंग का मतलब हो जाएगा सेल्फ रिलायंट, ये इसका आंसर हो जाएगा, सेल्फ रिलायंट, ये सॉरी इसकी स्पेलिंग हुई सेल्फ रिलायंट, ये चीज समझ गए। अब आगे देखें जरा, अब अगला और आगे पढ़ते हैं जरा। तो एजुकेशन शुड नॉट प्रोड्यूस सिटीजन, एजुकेशन वैसे नागरिक उत्पन्न ना करे, हु वाइल दे लव देयर ओन फ्रीडम, जबकि ऐसे कि जो स्वयं की स्वतंत्रता को प्रेम करते हैं, एंड टेक अवे द फ्रीडम ऑफ अदर्स, और दूसरों की स्वतंत्रता ले लेती हैं, ऐसे नागरिक उत्पन्न नहीं होना चाहिए। इट शुड प्रोड्यूस मैन, ऐसे मैन उत्पन्न होने चाहिए हु लव देयर ओन कंट्री, जो अपने देश, खुद के देश को प्रेम करें, बट हु डू नॉट वॉन्ट टू हार्म अदर कंट्री, और दूसरे के देशों को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक, तो अब इसके आंसर को देखते हैं, पहला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं जरा, पहला जो क्वेश्चन है वो समझें। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द एम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, है ना। तो शिक्षा का उद्देश्य कि वास्तव में शिक्षा का उद्देश्य अगर हम कहें तो शिक्षा का उद्देश्य नॉलेज प्राप्त करना, और हमें इसे योग्य बनाने की, हमें अपनी जीविका कमा सके, और हमें अच्छा नागरिक बनाना, तो यही लिख दो बस, अगर आपको अच्छे से पता नहीं तो ऊपर से ही इसका आंसर देना पड़ेगा, है ना, है ना। वैसे तो मियरली
वैसे चाहें तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं ये हो उद्देश्य, और कुछ लोग सोचते हैं कि जीविका कमाई जाए, ये वाला उद्देश्य टू अर्न लिविंग, और कुछ लोग सोचते हैं कि फिर हम इतना योग बनाए कि अच्छे नागरिक हो सके। तो तीनों चीज़ें अपन को लिखना पड़ेंगी। तो आंसर लिखना पड़ेगा द एम ऑफ एजुकेशन इज है टू गेन नॉलेज, नॉलेज प्राप्त करना, एंड टू अर्न लिवलीहुड, एंड टू मेक अ सिटीजन, गुड सिटीजन। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन जो है, व्हाट डू सम पीपल थिंक, कुछ लोग क्या सोचते हैं, कि कुछ लोग सोचते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य मात्र नॉलेज प्राप्त करना है। तो आंसर लिख लो, पहली लाइन दी है पूरी, है ना, पूरी पहली लाइन दी है, पूरी लाइन हो जाएगी इसकी पहली नॉलेज तक, लो ये आंसर। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट है एक्सप्लेन द अंडरलाइन वर्ड, जो अंडरलाइन वर्ड है उनको एक्सप्लेन करना है। अब अंडरलाइन वर्ड क्या है, ये दिया है आपका सोलली एट मेकिंग गुड सिटीजन, कि सोली मात्र अच्छे नागरिक बनाना, है ना। तो इसका अर्थ यह है कि द पर्पज ऑफ एजुकेशन शुड बी, होना चाहिए कि अच्छे नागरिक क्रिएट करना, है ना, बस लिख दो। तो ये अंडरलाइन लिख देना, फिर लिख देना, फिर इसका जो एक्सप्लेन करना है इसको लिखना, द पर्पज ऑफ एजुकेशन शुड बी टू क्रिएट गुड नागरिक, गुड सिटीजन्स अलोन, बस हो गया आंसर। इसके बाद इसका टाइटल देना अपन को, सुटेबल टाइटल, तो द एम ऑफ एजुकेशन लिख दो, या द रियल एम ऑफ एजुकेशन ये भी लिख सकते हो, और बाकी मैंने इसकी बताई दी जो क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पूरा होता है। आशा है ये वीडियो आपकी तैयारी में चार चांद लगा देगा। तो ये वीडियो यहीं तक, यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।